सर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी रखो इस चैप्टर को लेके, थ्योरी क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, थ्योरी क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का लिखने को आ जाएगा कि क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है रिकॉर्ड्स, बस यही जाने वाला है इस चैप्टर से। इस चैप्टर को थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा कॉमन सेंस से चलोगे तो कुछ चीजें खुद से भी लिख सकते हो कि क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए सर। सेक्शन 35 तो पता होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर का स्टार्टिंग सेक्शन ही है सर, अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। देखो, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड प्लेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। हमारा अरम इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये टैगोर नगर है, यहीं पर हमें बुक्स मेंटेन करना है सर। जीएसटी के सर्टिफिकेट में भी यही है हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अ ट्रू एंड अ करेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, हम इससे बाहर है क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें हम आते हैं सर। आउटवर्ड सप्लाई, इसमें हम आते हैं। स्टॉक क्यों, हम भी तो किसी से सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह ये सब की एएमसी ले लिए, हम भी तो सर्विसेज ले सकते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स, ये आप बुक्स के सेंस में बोल सकते हो कि स्टॉक ऑफ गुड्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, कितनी हमने अवेल किए, कितना हम आउटपुट टैक्स पेबल है, या फिर सच अदर डिटेल एज मे प्रिस्क्राइब। सर बहुत सिंपल है, कोई एकदम रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं है सर, आप आराम से लिख सकते हो। जीएसटी को सोचो, अपने आप लिख लोगे ये पॉइंट्स को, इतने रॉकेट साइंस वाले नहीं है। रिकॉर्ड टू बी मेंटेन एट ईच प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब कमल विहार के कल के दिन हम ब्रांच चालू करते हैं तो ब्रांच में भी जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं या जो भी चीजें हो रही है वहां से रिलेटेड डाटा वहां पर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, इन्होंने बोला सर जहां से आप बिजनेस करो, जहां से नॉर्मली बिजनेस होता है सर, वेयर हाउस भी आ जाएगा, गोडाउन भी आ जाएगा, एनी अदर प्लेस जहां पर आप स्टोर करो गुड्स, जहां से आप गुड्स रिसीव करो, जहां गुड्स आप सप्लाई करो, वो सब चीजों को हम प्लेस ऑफ बिजनेस में लेते हैं सर, ठीक सर। जहां पर आप बुक्स मेंटेन करते हो वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, ठीक सर। पढ़ के जाना, एग्जाम में प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन आ सकती है, बहुत आने के चांसेस है सर। वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा जहां पर आप अपने एजेंट के थ्रू काम कर रहे हो, उसको भी प्लेस ऑफ बिजनेस में लिया जाएगा सर, ठीक है। पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो वो होगा जो जीएसटी के सर्टिफिकेट में लिखा होगा। आई बात समझ, बेटा दिमाग में इसको अच्छे से पढ़ के जाना, डेफिनेशन आने के चांसेस, ठीक है। इसके बाद देखो सर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। अगर कोई आदमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है तो उसे कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सरकार ने बोला सिंपल सी बात है सर, ऐसे गुड्स जो वो इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर ऐसे गुड्स जिसमें वो पेमेंट कर रहा है टैक्स, या फिर रिवर्स चार्ज चल रहा है सर। रिवर्स चार्ज क्यों, क्योंकि सर इंपोर्ट के केस में रिवर्स चार्ज में ही लाइबिलिटी होती है, तो इसीलिए सरकार ने बोला अलोंग विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब चीजें। कॉमोडिटी वाइज स्टॉक स्टेटमेंट टू बी मेंटेन्ड बाय नॉन कंपोजिशन सप्लायर। नॉन कंपोजिशन मतलब जो आदमी कंपोजिशन ऑफ नहीं कर रहा है, सरकार बोलती है उसको तो एक एक डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। मैं बोला क्यों, सरकार बोली गधे क्रेडिट कैसे लेगा, क्रेडिट लेने के लिए तो तेरे को कॉमोडिटी वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। मैं बोला अच्छा, अगर कंपोजिशन वाला होता तो सरकार बोली उससे क्या दिक्कत है, अभी उसको तो आईटीसी वैसे ही नहीं मिलती है। आई बात समझ। सेपरेट अकाउंट फॉर एडवांसेस, क्योंकि गुड्स के एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता है, बट सर्विसेज के एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। अकाउंट्स कंटेनिंग टैक्स डिटेल्स, जितना भी आप टैक्स पे कर रहे हो अदर देन कंपोजिट, क्यों, अरे कंपोजिट वाले का टैक्स का क्या करें, ठीक। सप्लायर रेसिपिएंट और स्टोरेज डिटेल्स वगैरह देना पड़ता है सर। इसमें ये वाला पॉइंट ध्यान रखने वाली बात, नॉन अकाउंटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसे क्या माना जाएगा। इसका मतलब क्या होता है नॉन अकाउंटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं समझो, मेरे दुकान में 2 करोड़ का माल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं मेरे दुकान में 2 करोड़ का मैं माल बता रहा हूँ पड़ा हुआ है, ठीक है। बुक्स में 2 करोड़ का स्टॉक दिखाया, जब जीएसटी वाले आए तो चेक किए, स्टॉक 2.5 करोड़ का निकला, 50। नॉन अकाउंटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपने अकाउंट फॉर किया ही नहीं है, सरकार बोली हम उसे डीम सप्लाई मान लेंगे, आपको इस पे जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो बुक के हिसाब से 2 ही बताए हो ना, तो ये 50 आया कहां से।
आई बात समझ. टैक्स पेबल ऑन गुड्स स्टोर्ड एट अ अनडिक्लेयर्ड प्लेस. अनडिक्लेयर्ड प्लेस क्या होता है सर? नहीं पागल है क्या? हर प्लेस प्रिंसिपल प्लेस थोड़ी होगा. प्रिंसिपल प्लेस तो सिर्फ वो है जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नाम है. बाकी तो सब मेरे प्लेसेस हैं ना सर बिजनेस के. क्यों कमल विहार नहीं रहेगा मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस? सर मान लो एक सिंपल सी बात, एकदम सिंपल. चलो आप जो बोले वो भी ठीक है, बट एक सिंपल सी बात सर, आप कहीं भी गुड्स रख रहे हो और जहां आप गुड्स रख रहे हो उसके बारे में जीएसटी डिपार्टमेंट को नहीं बताते हो, दैट इज कॉल्ड अनडिक्लेयर्ड प्लेस. आया समझ? बैठा दिमाग में. उसके बाद देखो पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स कितने महीने रिटेन करेंगे सर? कब से कितने साल हो गए? 6 साल हुए ना, 6 साल. ठीक है. अकाउंट्स पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील वगैरह, अगर अपील वगैरह से रिलेटेड मैटर है तो 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल, जब आपकी अपील खत्म हो गई, कोर्ट में डिसीजन आ गया, जब डिसीजन जो आया उसके बाद से 1 साल. आई बात समझ? ठीक. और 72 months फ्रॉम द डेट ऑफ पनिशिंग ऑफ एलमन रिटर्न. दोनों में विचेवर इज लेटर, हमेशा लेटर ही रहेगा सर, अर्लियर कभी नहीं होगा. ठीक है. रिकॉर्ड्स विच आर टू बी मेंटेन ओनली बाय सप्लायर अदर देन सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी. किसकी बात हो रही है? नॉर्मल आम आदमी की बात हो रही है, कंपोजिशन वाले की बात नहीं हो रही है. तो मैं तो आम आदमी, मेरे को कमोडिटी वाइज अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, पूरी टैक्स डिटेल वगैरह देना पड़ेगा, तभी तो आईटीसी वगैरह लूंगा सर. अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एजेंट, एजेंट कोई भी हो सकता है सर, डेल क्रेडिट एजेंट, आरतिया, मैंने आपको बताया था सर रेगुलर क्लासेस में, पक्का आरतिया, कच्चा आरतिया, कुछ भी डाल सकते सर, मेरे को क्या पता. कमीशन एजेंट कोई भी हो सकता है सर. ठीक है. रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन करना है? सबसे पहला particular of authorization received by him from his principal to receive. Principal के भी आपने goods receive करना. Particulars including description, value and quantity of goods and services received on behalf of every principal. उसकी details. Particulars including description, value, quantity of goods and services supplied. किसके भी आप में? Principal. ठीक. डिटेल ऑफ अकाउंट फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल, क्या क्या डिटेल्स फर्निश कर रहे हो और कितना आप टैक्स पे कर रहे हो. तो आसान भाषा में एजेंट में मैं ऐसे याद रखता हूँ, कितना सब प्रिंसिपल से मिला, कितना प्रिंसिपल से गया, कितने सारे प्रिंसिपल को सप्लाई किया और कितने सारे प्रिंसिपल के भी आप में सप्लाई किया और क्या टैक्स पे किया. यही तो डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है. एक मिनट के लिए एजेंट का सोचोगे ना, इनकेस अगर ये टेक्निकली याद नहीं रहा तो भी लिख लोगे. रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द मैन्युफैक्चरर, इसको तो सब डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो क्रेडिट वगैरह लेगा सर. ठीक. रिकॉर्ड्स ऑफ सर्विस सप्लायर, सर मेरे लिए स्टॉक कभी नहीं आएगा क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, स्टॉक कैसे आएगा. पर आईटीसी वगैरह तो सब आएगा सर, कितने की सर्विस, कितनी वैल्यू की सर्विस, ये सब चीजें आएगी सर. रिकॉर्ड्स बाय कैटरर, सॉरी कैरियर एंड सीएनएफ एजेंट. कैरियर कौन है सर? ट्रांसपोर्टर्स. सीएनएफ एजेंट कौन है? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट. ठीक है. तो कैरियर को बताना पड़ेगा कौन सा वो गुड्स लेके जा रहा है, कौन सा लेके आ रहा है, किसके भी आप में लेके आया, जो पर्सन जिसके भी आप में लेके आया वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, सब बताना पड़ता है सर. ठीक है. रिकॉर्ड्स ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स, कौन है ये? ठेकेदार. अच्छा ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल क्यों चाहते हैं पता है? अगर आपको याद हो आईटीसी तो उसमें हम सेक्शन 17(5) पढ़ते हैं ब्लॉक क्रेडिट, जिसमें सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू इमुअल प्रॉपर्टी क्रेडिट ही नहीं देते, ब्लॉक करके रखे. तो वो जानेंगे नहीं तो कैसे रोकेंगे सर आपको क्रेडिट से. समझ आई बात? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इन रिलेशन टू प्लांट एंड मशीन, ये आप क्रेडिट ले सकते हो, पर सर वो इमुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहा तो नहीं ले पाओगे. तो ये बोल रहे भैया तू डिटेल मेंटेन करेगा तब तो चेक करेंगे. समझ आया? नेम एंड एड्रेस जिसके भी आप में आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एग्जीक्यूट कर रहे हो सर. क्या क्या वर्क कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज है सर? ठीक है. रिसीव कितना किए हो, यूटिलाइज कितना किए हो, समझ रहे हो सर? ये बड़ी जबरदस्त चीज है सर. रिसीव कितना हुआ है, यूटिलाइज कितना हुआ है, क्योंकि जो यूटिलाइज होता है ना सर, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, जो रिसीव हुआ है क्रेडिट दोगे कि नहीं दोगे ना सर? गुड्स रिसीव होता है तो ही क्रेडिट मिल जाती है सर. ठीक है. फिर डिटेल्स ऑफ पेमेंट, कितना पेमेंट कब कब मिलते जा रहा सर, क्योंकि पेमेंट के बेसिस में टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा, जीएसटी की बातें आएंगी सर. ठीक है. किसके भी आप में गुड्स रिसीव कर रहे हो या सर्विसेज रिसीव कर रहे हो,
रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टर्स. ये क्या करेंगे सर? क्या ये पूरे गुड्स की डिटेल मेंटेन करेंगे? करेंगे ना. देखो, एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन or any other place for storage of goods or every transporter irrespective whether is registered or not. ye dhyan rakhna sir, yaad rakhna, registered hona inke liye zaruri nahi hai. shall maintain record of the consignor. consignor kon? jo goods bechta hai. consignee kon? isko goods bhej raha hai. to transporter kon? jo leke ja raha hai. consignor se leke consignee ke paas chhodega na. and other detail of the goods in such manner as is prescribed. clear hua sabko? ठीक है. रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय द ओनर ऑपरेटर ऑफ द गोडाउन वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टर. देखो सर, इनको एनरोलमेंट लेना पड़ता है सर. इफ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी. अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप क्या ले लो? एनरोलमेंट नंबर ले लो. जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो. ठीक है. एप्लीकेशन दो सर यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर के लिए. सर फॉर्म 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 नया है सर, फॉर्म पढ़ लो. एनरोलमेंट नंबर 02. प्लीज प्लीज ये फॉर्म पढ़ेंगे सर, सब पढ़ेंगे सर ये फॉर्म. ठीक है. जब तक उसके पास एनरोलमेंट नंबर है सर, वो जीएसटी नंबर यूज नहीं कर सकता. ईवे बिल पता है ना, याद है ना, ईवे बिल लगता है सर. तो ईवे बिल में जीएसटी नंबर कहां से डालेगा जब है ही नहीं? तो अभी क्या डालेगा? एनरोलमेंट नंबर. एक स्टेट में एनरोलमेंट नंबर मिला तो सब जगह के लिए मान लिया जाएगा. क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा सर? रिकॉर्ड्स बाय ट्रांसपोर्टर ओनर दोनों मेंटेन होगा सर. मैनर ऑफ स्टोरेज ठीक है, ये आप छोड़ सकते हो. आइटम वाइज ओनर वाइज डिटेल मेंटेन करेगा. ठीक. मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन. ये कौन है भाई? कौन है ये? कंपोजिशन वाला है कि नहीं है? नहीं है. अरे कंपोजिशन वाला इसमें कहाँ जाएगा? क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करेंगे. अकाउंट्स टू बी कैप्ट एट ऑल प्लेसेस. ठीक है. आरसी, आरसी बोले तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. नो एंट्री टू बी रेस्ट और ओवर रिटर्न. ये सब काम तो आप कर ही नहीं सकते हो सर. ये सब कर रहे हो तो आप चोर चमारो. ठीक है. इसके बाद रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करोगे सर कितने टाइम? सेम. फिर जनरेशन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. अगर कल के दिन है तो वो ऑडिट ट्रेल के लिए काम आता है सर. बैकअप के लिए काम आता है सर. ठीक है. सिंपल. अकाउंट्स रिकॉर्ड्स में ज्यादा कुछ नहीं है. इसके इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चन देख ले, चार पांच क्वेश्चन ही तो है, देख लेते हैं. सीधा नीचे ना, पिन नंबर बोलना बहन. देखो पांच क्वेश्चन, इसी में से एक आध एग्जाम में आ जाएगा. हाँ तो नए नए में और तेरे से क्या पूछ देंगे बहन. फाइनल में ये चैप्टर भी नहीं आता है एग्जाम में, इसीलिए तो इंटर में डाले. ये चिल्लर चपाटे चीजें फाइनल में पूछ रहे थे. सोचो ये फाइनल का सिलेबस था, हटाए इसको. बोले फाइनल का बच्चा ये याद करे कि कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है. हद हो गई है, हटा दिए इसको. बोले इंटर के बच्चों को कराओ ये सब. चलो तो सेक्शन 35 के हिसाब से क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है ये पूछा है. पहला क्वेश्चन इनवर्ड आउटवर्ड टैक्स डिटेल आईटीसी प्रोडक्शन वगैरह और आउटपुट टैक्स. ये ध्यान रखना सर. ठीक है. थैंक यू मैम. अगला, मिस्टर स्काई इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल्स. ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम एंड हैज ऑप्टेड फॉर द सेम. ही सीक्स योर एडवाइस फॉर रिकॉर्ड्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हिम एज अ कंपोजिशन टैक्स. एक वो स्टॉक वाला याद है, कमोडिटी वाइज वो बाहर है. दूसरा टैक्स डिटेल क्या करेगा ये पीछे का. ठीक है. तीसरा क्या है, मिस्टर हर्ष मंजुला is engaged in the business of work contract services and request your guidance as to specific records to be maintained. work contract kya kya maintain karta hai? kitna aaya supplier se, kitna utilize hua, yaad hai na, receive or utilize. theek hai. aur kitna payment hua hai tax ka, kiske behalf mein hua hai sir. theek hai, very good. dekho char panch bol loge na to wahan jaake likh bhi loge, nahi bologe to likhoge kaise sir? chill chain cold
इज ऑपरेटिंग कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस वाली कहानी है सर. एंड सीक्स योर गाइडेंस ऑन द जीएसटी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन. क्या क्या मेंटेन करें? वेरी गुड स्टॉक. ठीक है, आप कुछ कॉमन सेंस सोचो ना सर, किसके किसके स्टॉक से वेयरहाउस पे. ठीक है, सप्लायर कौन है सर, ये स्टॉक क्या बोलते हैं किसको डिलीवर की जा रहे हैं सर, ये मेंटेन करेंगे सर. आईटीसी की बात नहीं आएगी. ठीक, मिस्टर एक्स इज ऑफ द व्यू दैट द रिकॉर्ड्स आर टू बी मैंडेटरी मेंटेन मैन्युअली ओनली. नहीं सर, लास्ट पॉइंट तो पढ़े ना सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है. फायदा क्या है? ऑडिट ट्रेल, ऑडिट पढ़ते हो नलायको, ऑडिट में यही तो पढ़ते हो पूरा आखिरी तक. ऑडिट क्या है? एक ही तो लाइन पे टिका है सर, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. और हम ऑडिट क्यों कर रहे हैं? ऑडिट ट्रेल क्रिएट करने के लिए, ताकि चेक कर सके कल के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा. याद आया? ठीक है, चलो बस इतना ही था सर. अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स खत्म हुआ आपका. धन्यवाद.